सच बता रही हूँ, मैं इस टाइम बहुत दिल छोड़ के बैठी हुई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से, आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, बसते रहें। और इसी दुआ के साथ मैं आप आज अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। तो जी, आज मैं जो है ना अपनी वीडियो में बात करूँगी सितारा यासीन के बारे में, जिनको आप लोग शुरू से जानते होंगे, शुरू से लेके काफ़ी लोग उनको देखते होंगे और ज़्यादा तो उनको जो उनके बारे में मुझे कुछ बताने की है नहीं। कितने सारे कितने टाइम से वो यूट्यूब पे काम कर रही हैं और सब लोग जानते भी होंगे अच्छी तरीके से उनके बारे में, शुरू से लेके अब तक उनकी लाइफ के बारे में। मैं सिर्फ आज जो है ना उन पे मैं किसी के बारे में कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं कोशिश करूँगी दूँ, कोशिश कर करूँगी बल्कि नहीं देना चाहूँगी। मैं बात करूँगी तो अच्छे अल्फाजों में करूँगी, उनके पॉजिटिव के। कभी मुझे अगर किसी की लग गई बात, कोई इस तरह की फील हुआ या कुछ भी हुआ, तो फिर मैं आप लोगों के सामने अपनी राय ज़रूर रखूँगी, क्योंकि चैनल है, मुझे इस पर काम करना है। अगर मैंने कैटेगरी चेंज की है तो फिर मुझे इस पर काम भी तो उसी तरह का ही करना होगा। तो बस इसीलिए मज़ीद आगे देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह करूँगी तो क्या है तो क्या नहीं। फ़िलहाल मैं बात करूँगी उनके बारे में आज के जो उनका व्लॉग देख के, और शुरू से आप लोग उनको खैर जानते हो तो फिर शुरू के उनके लाइफस्टाइल और अब देख लें कितना फ़र्क है, कितना उन बंदी ने अपने आप को चेंज किया है, खुद को भी चेंज किया है, बल्कि अपने बच्चों की हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश भी पूरी की है। वो कहाँ अपनी सिंपल व्लॉगिंग करती थी, व्लॉगिंग में हर चीज़ दिखाती थी, 50-100 रुपए की चीज़ भी अगर लेती थी उधार पे या पैसों पे तो वो भी अपनी वीडियो में दिखाती थी। काफ़ी लोगों का दिल उन्होंने जीता था। और अगर वो वायरल हुई थी तो अपने हस्बैंड की सेकंड शादी से हुई थी, दूसरी शादी जब की थी साजिद भाई ने, तब के ना उनके व्लॉग्स अच्छे से अच्छे चले थे और वो जाके दुनिया की नज़रों में आई थी। उनके सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बढ़ते गए, अब तो उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। उनकी अपनी मेहनत है, उनका अपना सब कुछ है। बच्चों का भी उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज किया, अपना भी किया, अपने बच्चों की उन्होंने हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी की जिसके लिए बच्चे तरसते थे। बच्चों को होता था कि हमारी जो है ना हर ख्वाहिशें पूरी हो, और वो माँ थी तो माँ ने कर दिखाया। और हर माँ ही अपने बच्चों के खातिर कर जाती होती है, क्योंकि माँ की ताकत ही ऐसी होती है कि अपने औलाद की खातिर ना वो सब कुछ कर जाती होती है। तो उन्होंने भी कर दिखाया। और जहाँ तक उनकी जो सौतन आई थी घर में, यानी कि साजिद की जो सेकंड वाइफ आई थी, तो उसको लेके भी काफ़ी इस तरह की बातें होती थी कि ये बर्दाश्त नहीं करती हैं एक दूसरे को, या क्या है क्या नहीं है, इस तरह की 100 बातें। और कौसर बर्दाश्त नहीं करती है, कभी होता था कि सितारा बर्दाश्त नहीं करती है। जब कौसर का पहला बच्चा दुनिया में से गया था तब भी सारा जो ब्लेम था वो सितारा पे आ गया था। आज की वीडियो में अगर आप देखें जाके तो आज साजिद जो है ना दोबारा से बाप बना है और उसका एक और बेटा दुनिया में आया है जो कि कौसर से। तो फिर कितनी खुशी की बात है, और वो बंदी कितनी खुश है सितारा यासीन अपने घर में। वो वेलकम के लिए जो है ना उस मतलब के करी वेलकम करी है बच्चे का, उसके बलून चलून ये वो सब कुछ, और बच्चों को भी बता रही है सबसे छोटा जो है ना, अब आयत को कह रही है सबसे छोटा बच्चा आ गया हुआ है, अब तुम छोटी नहीं रही हो। अगर उसके दिल में खार होता है, अवेयर होता है इस तरह का, तो वो क्या अपने इस तरह की बात कोई करती? बिल्कुल भी ना। और कितनी ज़्यादा खुश है, सबसे बड़ी बात है कि आज उन्होंने ये भी बता दिया है अपनी वीडियो में कि बेटा हुआ है साजिद को या बेटी हुई है, तो माशाल्लाह से उसका बेटा हुआ है। और मुस्तफ़ा अपने सौतेले भाई को लेके इतने पॉजिटिव उसके मतलब के बातें थी कि मेरा छोटा भाई पैदा हुआ है, मेरी माँ ने मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी की है, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी की है, ये एक ख्वाहिश थी जो इसमें टाइम लग गया था, और मेरा भाई आ गया। मैं चाहता था मेरे साथ कोई खेलने वाला आए जिसके साथ मैं खेलता रहूँ, मैं उसको गिफ्ट दूंगा। पूछ रहे थे कि क्या अपने भाई को गिफ्ट दोगे, तो कहता था मैं बॉल दूंगा, क्योंकि भाई जो है ना भाई भाई आपस में खेलते होते हैं बैट बॉल वगैरह ये सब कुछ। तो बच्चा अपने भाई के आने से बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। तो ये भी सितारा ने अपने बच्चों को सिखाया है ना कि ना समझें वो कि सौतेला है, अपनों जैसा प्यार दें, अपनों जैसा सब कुछ करें इस तरीके से। तो कैसे कोई मतलब के उसके बारे में मैं जब ना हेटर्स के रिएक्शन देखती हूँ तो काफ़ी लोग उसको ना बड़े बुरे बुरे नामों से जो है ना वो सियाणी बाजी कोई कह रहा होता है, कोई उसको अजीब से नाम लेके बुला रहा होता है इस तरीके से। तो
क्या मतलब कि एक एक किस्म का ही मैं हंसा समझती हूँ कि उसको अगर वो अगर दुनिया में आगे जा रही है, उसने उसके पास अपना कहाँ वो कराची शहर में रहती थी और कितनी वो मामूल सी ज़िंदगी गुजारती है, अब अच्छे से अच्छी गुजार रही है, घर भी माशाल्लाह से अपना है, हर आए दिन अपने बच्चों को आउटिंग के लिए लेके जा रही है, इधर लेके जा रही है, शॉपिंग कर रही है, पहन रही है, अच्छा अच्छा खा रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है। ईद पर देखे ना आप, अब मीटअप में जितने भी सारे इसके सपोर्टर्स थे सबको उन्होंने अच्छे तरीके से इनवाइट किया था, अब ईद आ रही है, ईद पे सबको गिफ्ट दे रही है, तो बहुत मेरी अच्छी दोस्त जो है नौशीन मुल्तानी उनको भी गिफ्ट आ रहा है उनकी तरफ से, सतारा यासीन की तरफ से, वो भी आज मैंने उनकी वीडियो में देखा पैक हो रहा था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो पैकिंग कर रही हैं और सब जो है ना अपनी रिएक्शन जो उनके सपोर्टर थी उनको उन्होंने याद रखा है, सबको ईद पे गिफ्ट दिया है उन लोगों ने। वो कितना कुछ करती हैं, अगर उनके हम लोग अगर उनके मतलब के सपोर्ट में लोग कुछ खड़े होते भी हैं तो वो कितना कुछ खुद भी तो करती हैं ना लोगों के लिए। और उसने जो है ना कौसर के लिए बहुत कुछ कर रही है, हालांकि सोतन ने इतना बड़ा जिगर किसी का नहीं होता है, मैं तो ये समझती हूँ इतना बड़ा दिल किसी का भी नहीं होता है कि अपने सोतन के लिए सब कुछ करे। जब पहला बच्चा उनका फोर्थ हुआ था सारा ब्लेम ही सितारा पे आ गया था, लेकिन सितारा ने ये प्रूफ कर दिखाया कि नहीं, वो दुआएँ मांग रही है अल्लाह से, वो कह रही है मुझे अल्लाह जो है ना हम एक दूसरा बच्चा अता करे, खैर खैरियत से करे और सही सलामत वाला बच्चा हो, तो फिर वो खुशी खुशी जो है ना सब कुछ कर रही है और कर तो रही है ना अपने बच्चों खातिर। फिर क्या हो गया, जो रिएक्शन कुछ जो हैं इस तरीके से हैं, अगर उनके खिलाफ जो वीडियो बनती है हेटर्स उनके हैं, वो कहते हैं कि ये बंदी जो कहती है माँ भी मेरे साथ रहे, मेरे साथ मेरा शोहर भी रहे, मेरे साथ मेरे बच्चे भी मेरे सामने रहे, माँ उसकी अपनी है, शोहर उसका अपना है, अगर वो माँ भी मांग रही है कि मेरे सामने रहे तो है तो उसकी अपनी ना, अगर वो शोहर भी मांग रही है तो उसका अपना ही ना जो वो कह रही है कि मेरे सामने रहे, बच्चे तो फिर है ही माँ के ना जो वो कह रही है कि मेरे सामने रहे। माँ जो वहाँ जाके सऊदीया में लोगों के काम करती है, इतना मतलब के इतनी सी उम्र में जाके लोगों के घरों के काम कर रही है, तो ये गलत बात है एक बेटी अपनी माँ के बारे में अगर सोच रही है कि मेरी माँ इस उम्र में लोगों के घरों के काम कर रही है, तो क्यों ना मैं अपनी माँ को एक इज्जत से बिठाऊँ अपने घर, आए अच्छी ज़िंदगी दूँ, सुकून वाला माहौल दूँ। एक माँ के लिए झाड़ू पोछा करना इस उम्र में ज़्यादा बेहतर है या एक जो है ना वो चाहे बेटी घर बैठी हो वहाँ बैठ के वो सुकून से इज्जत से खाए, वो ज़्यादा बेहतर है, सुकून तो मिल रहा है ना उस औरत को। और रही बात शोहर की कि वो भी मेरे पास रहे, तो फिर बाप है जहाँ वो सितारा के बच्चों का बाप है, ठीक है ना साजिद के अपने बच्चे हैं, तो क्या उसका फ़र्ज नहीं बनता अपने बच्चों की इस तरह से नौकरी चाकरी कर भी रहा है तो बाप है, बाप का फ़र्ज बनता है अपने बच्चों को स्कूल जाना, घर में सौदा लेकर आना, कुछ भी करना, लेकर आना लेकर जाना बच्चों को, जो कुछ भी है 100 बच्चों के मसले मसाइल अगर वो कर भी रहा है तो फिर अपने बच्चे ही हैं। क्या वो कौसर के बच्चे का अगर करेगा तो भी तो उसका अपना ही बच्चा है, तो इस तरह सितारा के बच्चे भी तो उसके अपने ही बच्चे हैं अगर वो कर भी रहा है तो। तो इस तरह के हेटर्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसको पर इल्ज़ाम लगाना कि ये मतलब के ना ये गुन्नी टाइप औरत है, और दूसरी बात ये चलाक औरत है, बड़ी मतलब अजीब अजीब नामों से उसके नाम रखे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ कि तो फिर अगर इस तरह से है तो फिर आप उसी के बारे में हेटर्स जो है ना वो रिएक्शन देके अपने व्यूज़ भी तो उसी के बारे में बढ़ा रहे हैं ना, तो क्या उनके बारे में नेगेटिव अगर बातें कर भी रहे हैं तो किस लिए मतलब के कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो हुआ था इनकी बहन का या इसका जो भी मसला हुआ था उसमें देखिए अल्लाह की आंखें बड़ी होती हैं, अल्लाह जानता है बेहतर कि क्या था तो क्या नहीं था। फिलहाल जो है ना उस औरत ने ना मैं तो ये कहूँगी कि बस दिल जीता हुआ है, उसका हस्बैंड भी उससे राज़ी कि हाँ भाई ये दूसरी जो मेरी बीवी है उसकी कर रही है सारी खातर तवाज़ा, मेरे बच्चे से भी प्यार कर रही है, दिखा रही है, उसके फेस से साफ जाहिर हो रहा है कि जो है ना वो दूसरे बच्चे के आने से दुनिया में काफ़ी ज़्यादा जो है ना बच्चा जब से दुनिया में आया वो खुश है, सब खुश है, सब कुछ कर रही है, सेटिंग चेंज कर रही है, ये वो सब कुछ, तो एक अच्छी मतलब कि वो मैसेज दे रही है। खैर अभी तो फिलहाल अच्छा मैसेज ही दे रही है लोगों को, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मैं तो ये कहूँगी मेहनत से यहाँ पर पहुँची हुई है, मैंने उसके अगर शुरू से लेके अब तक जो वीडियोज़ देखी हैं ना वो मेहनत से ही बंदी यहाँ पर पहुँची हुई है। ऐसे कभी भी उन्होंने अपने चैनल को प्रमोशन करवाने के लिए कभी किसी को नहीं कहा कि आप मेरे चैनल का अपने चैनल पे नाम लो, उन्होंने ना कभी भी प्रमोशन के लिए नहीं कहा, उन्होंने जब भी उन्होंने मेहनत की है वो खुद अपने दम पर आगे आई है, मैं तो ये कहती हूँ वो खुद ही अपने वाकई दम पर आगे आई है।
अगर वो यहाँ तक भी पहुँची हैं तो खुद ही अपनी मेहनत से पहुँची हैं और अपने बच्चों की सब ख्वाहिशें पूरी कर रही हैं। कहाँ वो एक नॉर्मल सी लाइफ गुजारी थी और कहाँ बहुत ही ज़बरदस्त आलीशान ज़िंदगी गुजार रही हैं, घूमना फिरना ये वो सब कुछ, शॉपिंग करना, अच्छे से अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, लोगों को देती भी हैं, हेल्प भी करती हैं, अपने भाई की, अपने घर वालों की और सबकी करती भी हैं, हेल्प करती हैं काफ़ी। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह सबको इतना कामयाब करे जो मेहनत कर रहे हैं, मौला उनको रंग लगाए और सबको कामयाब करे और मुझे और जो भी लोगों को जितने भी चैनल है अल्लाह सबको कामयाब करे, दुआ करती हूँ दिल से। चलिए जी, अगर आप लोगों को मेरा ये जो ना चैनल की कैटेगरी जो चेंज मैंने की है, रिएक्शन पे आई हूँ, ये मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल मेरा ठंडा सा वो रिएक्शन होता है मुझे खुद को जो मैं अपनी राय बता रही हूँ। अगर आप लोगों को कैसा लग रहा है बताएं, मुझे क्या करना चाहिए मज़ीद मुझे ये भी बताइएगा ज़रूर, मैं आप लोगों के कहने पे ही चलूँगी। मुझे क्या करना चाहिए, मैं दोबारा ब्लॉगिंग की तरफ आना चाहिए या यही इसको चलाना चाहिए, दो चार वीडियो डाल के देखती हूँ कि मुझे इससे क्या मिलता है ना। मैं इस यही चाह रही हूँ कि मैं ज़रा दो चार वीडियो डाल के देखती हूँ मुझे इससे क्या कुछ चेंज क्या मिलता है, मैं अगर आपको सही बताऊँ तो, नहीं तो फिर मैं दोबारा अपनी ब्लॉगिंग की तरफ आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे इस चैनल को आगे करना है, बढ़ाना है अपने बच्चों के लिए। मैंने अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देनी है और अगर आप लोग सब समझते हो मुझे वो ये भी है कि रिएक्शन में मेरे बच्चे नहीं आ सकते, ब्लॉगिंग में मेरे बच्चों को आप देख सकते हो जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं, मेरा हुसैन अच्छा लगता है, आप लोगों को मेरे बच्चे अच्छे लगते हैं और बस इस तरह मुझे ज़रा हिम्मत दीजिएगा, मुझे बताइएगा। इस टाइम मैं भी दिल छोड़ के बैठी हुई हूँ, सच बता रही हूँ, मैं इस टाइम बहुत दिल छोड़ के बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इस टाइम समझे कि मैं बस मेरा किसी टाइम भी जो है ना मेरे ऐसा बैठे बैठे और सोच में लग जाती हूँ कि मैं क्या करना चाहिए मुझे। मैं इस टाइम बिल्कुल ही एक दिमाग अपना ना ऐसे छोड़े बैठी हूँ, अपना नहीं समझ आ रहा मुझे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताएं आप लोग, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे किस पे मतलब मैं क्या करूँ चैनल को लेके कि आगे बढ़ता है, बढ़ जल्दी से बढ़े, ये साल हो गया हुआ है, सब्सक्राइबर जितने भी है ना वो तो समझो मेरी वीडियो देख ही नहीं रहे ना, मुझे प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों की राय पे बैठी हुई हूँ, मैं अब ज़रूर करूँगी, मुझे आप जिस तरह बोलोगे मैं वो चीज़ पे अमल ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे मशवरा दें, मुझे बताएं आप लोग, मैं आज आप लोगों से ये सवाल करती हूँ। चलें जी, आज का अगर मेरा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर वीडियो देखिएगा भी सही, ऐसा नहीं खाली सब्सक्राइब करके तो दोबारा चले जाओ जी, ऐसा ना कीजिएगा प्लीज़, मेरे साथ असर पड़ता है चैनल पे, सब्सक्राइब करके जब आप लोग चले जाते हो ना, नहीं देखते हो ना, वो पता क्या होता है, सब्सक्राइबर बढ़ाना ज़रूरी नहीं होता, सब्सक्राइबर वीडियो वॉच करें ना वो ज़रूरी होता है, सब्सक्राइब करके चले जाते हो फिर पीछे मुड़ के देखते ही नहीं हो कि मैं कौन हूँ आप कौन हो, फिर बस चलो जी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ऐसा मेरे साथ ना करो प्लीज़ ना करो। तो मेरी वीडियो देखनी हो तो सब्सक्राइब करना, ना देखनी हो तो सब्सक्राइब मत करना, जहाँ भी रहो खुश रहो आबाद रहो, मौला आप लोग को हमेशा हंसता रखते बसता रखे, आमीन सुम आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।